चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधि। सर एक प्रश्न है जी, अजय चलवान सर, धम का मतलब क्या होता है? धम धम जीवन का वह मार्ग है जिस पर मनुष्य उस ज्ञान को जान के और स्वयं उस रास्ते पर चले, वही धम का मार्ग। सत्य को स्वयं जाने पहले और फिर उस पर चले। सर डॉक्टर जलवान सर, अगर आप अगर सेटिस्फाई हो गए तो ठीक है, वरना कुछ और बता दूं आपको। प्लीज सर, सब सुन लेंगे। प्लीज सर, क्योंकि मेरी अपनी समझ अलग है। हाँ, पर अच्छा दरअसल क्या है कि जो धम्म है वो दो शब्द से मिलके बनता है, और ये पुराना पाली का शब्द है, यानी कि जब शब्द बनने शुरू हुए थे उस समय का ओरिजिनल शब्द है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। तो जब दो शब्दों को जोड़ते हैं तो जो आखिरा शब्द है उसका आधा शब्द लगा देते हैं, जैसे कम को के और मैं को जोड़ा तो कम कर दिया, धम्म कर दिया। तो धारण और मैं का मतलब होता है मैं से, यानी कि माई सेल्फ, जो हम मैं बोलते हैं। और धारण जो होता है वो होता है कि जो दुनिया में जितनी भी यूनिवर्स में चीजें हैं जो वो गुणों को धारण करती हैं, जो उनका गुण होता है वो धारण करती हैं प्रकृति से। तो इसका मतलब है कि मैं जो धारण करता हूं, यानी कि प्रकृति की कोई भी चीज है, हम तो बहुत बाद में बने हैं, पहले तो ये सारा जो मटेरियल था वो था, मटेरियल से बने हुए हम लोग हैं। तो यानी मटेरियल जो भी धारण करता है, जैसे आपने प्राचीन बातें पाली में सुनी होंगी या नहीं सुनी, तो पुरानी कहावतें हैं, कहते आग का धर्म बताओ, बाद में जो आधा मैं उसको आधे रह में बदल दिया तो धम्म का धर्म कर दिया। तो कहते हैं आग का जो धर्म है वो जलाना है, यानी उसका जो गुण है वो गर्म है। पानी का धर्म है प्यास बुझाना है या ठंडा है। हवा का धर्म है बहना है। पहाड़ का धर्म है अड़े रहना है। नदी का धर्म है बहते रहना है। तो ये हम प्रकृति की चीजों के धम्म बताते हैं, धर्म बताते हैं, गुण बताते हैं। तो कहते हैं कि भाई व्यक्ति के क्या गुण धर्म है, जैसे कहते हैं ना इस महिला के गुण धर्म क्या है, कैसी महिला है जो उसके गुण धर्म है, तो यानी कि उसका व्यवहार कैसे है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, उसके लिए गुण धर्म इस्तेमाल करते हैं हम। तो ये निर्जीव में और सजीव में सब में चलता है। बुद्ध ने जितना भी सीखा, जो भी ज्ञान सीखा वो प्रकृति से सीखा। अच्छा, बुद्ध से भी बड़ा अगर दुनिया में कोई है तो वो धम्म है। धम्म सबसे बड़ा है। क्यों है? क्योंकि बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध किसको कहते हैं? बुद्ध कहते हैं जो बोधि को धारण करता है, यानी जो ज्ञान को धारण करता है वो बुद्ध होता है। कोई व्यक्ति जो ज्ञान को सम्यक सम ज्ञान को धारण कर ले, सम्यक सम का मतलब है सही और पूरे ज्ञान को धारण कर ले, उसको बुद्ध बोलते हैं। तो बुद्ध बहुत सारे हैं, और छोटे मोटे बुद्ध तो सभी रहते हैं, ज्ञान धारण करते रहते हैं। तो जो धारण किया है उसने वो धम्म धारण किया है, यानी जिसको बोध हुआ है, बोध का धम्म का बोध हुआ है। तो बुद्ध जो बनता है वो बोध से और धम्म से मिलकर बनता है। तो यानी कि अगर धम्म ना होगा तो धारण क्या करोगे, और जब धारण नहीं करेगा कोई तो बुद्ध कैसे बनेगा। इसलिए धम्म बड़ा होता है, धम्म कभी नहीं डेड होता, धम्म कभी खत्म नहीं होता। धम्म प्रकृति का नियम है, जब तक यूनिवर्स रहेगी तब तक धम्म रहेगा। इसलिए धम्म की परिभाषाएं आपको दुनिया में लाखों मिलेंगी, और यहाँ जो लोग ये धर्म धर्म करते हैं वो धम्म को ही धर्म करते हैं, और वो सारा कुछ उन्होंने बुद्ध से ही सीखा है, और बुद्ध से ही सीख के उसको वो धर्म धर्म करते रहते हैं। मगर है क्या कि वो इतना पावरफुल है कि लोगों ने उसको हजारों धाराओं में मोड़ के अपने फायदे के लिए ले लिया। तो धर्म की परिभाषा अगर आप जिस भी व्यक्ति से सुनोगे वो अपने मतलब से और अपने अपने हिसाब से बताएगा, जिससे भी सुनोगे कैसे भी इसको मोड़ दो, आप जो चाहे वो धर्म की परिभाषा बता दो वही सत्य है, क्योंकि वो हर जगह विद्वान है, वो हर जगह चलता है। इसलिए जैसे कोई व्यक्ति ने बड़ी करुणाशील बताई कि भाई जीवन ही धर्म है, तो भाई जीवन ही धर्म है। कोई कहेगा जी मृत्यु ही धर्म है, मरना ही धर्म है, भाई ये भी बात ठीक है। कोई कहेगा भाई छोटे से बड़े होना धर्म है, भाई ये भी बात ठीक है। कोई कहेगा पानी का बहना धर्म है, ये बात ठीक है। कोई कहेगा पृथ्वी का खत्म होना धर्म है, ये बात ठीक है। कोई कहेगा बिजली का कड़कना धर्म है, भाई ये बात भी ठीक है। कोई कहेगा जानवर का मरना तय है ये धर्म है, ये बात ठीक है। कोई कहेगा बच्चे से तेरा पढ़ना धर्म है, ये बात ठीक है। स्त्री को कहेंगे कि तेरा खाना बनाना धर्म है, ये भी ठीक है।
मतलब आप धर्म को धम्म को हर जगह फिट कर सकते हो क्योंकि वो हर जगह है, प्रकृति का नियम है वो, लॉ ऑफ नेचर है। इसलिए इसको व्यक्ति अपने फायदे के हिसाब से कहीं भी मोल्ड कर सकता है, कहीं भी तोड़ सकता है। तो बुद्ध ने जो ये हम बाबा साहब ने जो कहा है बुद्ध एंड हिज धम्मा का मतलब है कि उन्होंने जो धम्म को रीडिस्कवर किया और बताया कि ये कैसे काम करता है, कैसे जिए, उन्होंने हर चीज के बारे में बताया। बुद्ध ने जो धम्म दिया है वो हर प्रकृति से लेके मनुष्य से लेके नेचर से लेके हर धम्म के बारे में बताया उन्होंने। इसलिए वो जो कलेक्टिव उन्होंने सारी चीजें बताई हैं वो बुद्ध का धम्म कहलाता है, क्योंकि जो कण कण में और हर चीज में वो बुद्ध में विद्यमान है, वो बुद्ध के बाहर जो शिष्य उनमें विद्यमान है, सब में वो रह जाता है, हर चीज में, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, ये जूम मीटिंग में जिनके हाथ में मोबाइल है उनका भी अलग गुणधर्म है। इसलिए इसका बहुत छोटी सी डेफिनेशन है और ऐसे ही मोड़ दो, ये उस पानी की तरह है कि जिस ग्लास में रखोगे उसी का रंग ले लेगा, जिस कटोरी में रखोगे उसका आकार ले लेगा, जैसा रंग इसमें मिला दोगे वैसा रंग ले लेगा। ये बड़े कमाल की चीज है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु।